हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मोमेंटम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हम वीडियो डाल रहे हैं बट होप हम कंटिन्यू अभी वीडियो सीरीज कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आज का टॉपिक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत ही आपसे रिलेटेबल होगा कि हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। भाई जैसे ही हम कुछ भी बाय करते हैं सीधा स्टॉप लॉस हिट, या तो मतलब वो स्टॉक की मौत ही जाती, लगता है वो सो गया बस, राइट। तो बहुत बहुत बिगिनर्स इसमें बहुत इश्यूज फेस करते हैं। तो आज हम टिक बाय टिक, चेकलिस्ट बाय चेकलिस्ट हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम रॉन्ग कर रहे हैं, राइट, और कैसे फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड करें, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप देखो तो एक बिगिनर क्या मिस्टेक करता है, राइट। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट है, राइट, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट है, राइट, यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हमको मिल रहा है, तो वो या तो आँख बंद करके एक जो उसने लाइन बनाई है वो उस पर सीधा सीधा बाय कर लेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उसको लगता है कि ये भाई चलने वाला है अपना मस्त बुर्ज खलीफा कैंडल, राइट। तो ये हम सबसे पहले बिगिनर मिस्टेक करता है कि जैसे ही एक ब्रेकआउट दिखा उसको तो, राइट, वो एक लाइन पे बाय करने चले जाता है। उसको लगता है बस लाइन बनाया, मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर बन गया, राइट। सेकेंड मिस्टेक जो ब्रेकआउट्स होते हैं, राइट, अगर वो मिस कर देते हैं तो वो हायर लेवल्स पे बाय करने को चले जाते हैं, राइट। या तो यहाँ बाय करेंगे या तो यहाँ बाय करेंगे, राइट, इन होप के भाई और भाग जाए, मुझे अपना 10-20-30% 40% जो भी चाहिए आपको मिल जाए। बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, मार्केट वहाँ से रिट्रेस हो जाता है, राइट। तो अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग मिस्टेक्स जो हम करते हैं, राइट। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दूँ, राइट, ये एक चार्ट है पैसा लो का, ठीक है, पैसा लो का ये चार्ट है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टेक यहाँ पे हो जाती बिगिनर्स की, ये यहाँ पे ब्रेकआउट था, जैसे ही ब्रेकआउट हो, ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया, तो यहाँ कहाँ ले लिया, या फिर यहाँ कहाँ ले लिया एक स्ट्रेस्ड मोमेंटम के बाद, इन होप के और भाग जाएगा। फिर क्या होता है, फिर देखते हैं मे बी मार्केट और रिट्रेस करता है, साइडवेज है मार्केट, राइट, इसको मैं और प्ले करूं, तो फिर क्या हुआ ना, उन वो स्टॉप लॉस लेना सीखते हैं, राइट, ना उनको पता है, और ये हो गया मार्केट में धूम धड़क का। आप देखो वहां से नहीं नहीं तो भी मार्केट में 43% का फॉल आया है, 43%। और अभी क्या करेंगे, हम बैठेंगे यहाँ पे होप पे कि भाई ये कभी तो ऊपर आएगा, और अभी हमका इसका फंडामेंटल्स चेक करने लग जाएंगे, राइट। तो यही मिस्टेक मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक फर्स्ट मिस्टेक करते हैं, वो है बाइंग ऑन हायर लेवल। तो ये अब से आप मत करो, हायर लेवल्स पे बाय करना बंद करो, राइट, ब्रेकआउट को चेस करना बंद करो। मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देगा बट ये वाले मिस्टेक अब अभी नहीं करोगे, राइट। तो हम फर्स्ट मिस्टेक जो करते हैं वो है हायर लेवल्स पे ले लेते हैं, राइट। सेकेंड मिस्टेक जो होती है वो होती है बिना पढ़े, राइट, किसका टिप्स देख के या खुद बिना खुद के एनालिसिस किए स्टॉक का क्या सप्लाई है डिमांड है, राइट। तो वो सेटअप देखते हैं, मे बी यहाँ पे ब्रेकआउट है, राइट, ब्रेकआउट चेस करने का, बट वो लॉन्ग टाइम फ्रेम नहीं देखते, मे बी वीकली या मंथली, कि भाई स्टॉक तो एक बड़ा डाउन ट्रेंड में है, सालों से डाउन ट्रेंड में है, तो हम क्या करते हैं कि भाई मुझे बॉटम पकड़ना है, मुझे ये अभी ये 100 रुपये है और इसका मे बी 500 हाई था तो मुझे पकड़ना है। भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देर इज़ अ रीज़न, एक रीज़न होगा, राइट, कि स्टॉक अभी 500 से, राइट, एक रीज़न होगा स्टॉक अभी 500 से 100 पे आया है, राइट, कोई तो रीज़न होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ बिना सोचे समझे वो गिर गया, राइट। तो हमारा होप क्या होता है कि ऐसे ऐसे स्टॉक में जो गिरा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो वहाँ पे मैं ले लूँगा और यह बेचूँगा 500। ऐसा भी नहीं होता है, प्लीज़ ये दो मिस्टेक्स मत कीजिए आप, ठीक है। अभी हम थर्ड चीज़ जो हम दिखाएंगे कि कैसे आप प्रॉपर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करके क्या आपकी टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, राइट। आइए बात करते हैं। अभी समझो ये अपना स्टॉक है पैसा लो था, राइट, पैसा लो जो स्टॉक था उसका हम थोड़ा सा पीछे जाएं, राइट, थोड़ा पीछे जाएं हम, तो ये ब्रेकआउट एरिया था, राइट, ब्रेकआउट एरिया था यहाँ पे एक और ब्रेकआउट एरिया पास में था, राइट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट चीज़ जो आपको वेट करनी है वो है प्रॉपर सेटअप,
प्रॉपर सेटअप मीन्स कोई भी पैटर्न हो सकता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, या फिर बिल्डअप इन स्टॉक्स। बिल्डअप इन स्टॉक्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले भी, तो ये बात करते हैं बिल्डअप इन स्टॉक्स क्या होता है, राइट। अगर ये ब्रेकआउट हमारा एरिया है, अगर ये हमारा ब्रेकआउट एरिया है और यहाँ पे स्टॉक हमारा आया है, एक पैटर्न का आपका वेट कीजिए। आपका कोई भी फेवरेट पैटर्न हो, चाहे वो आपका डार्वाक्स बॉक्स हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो कोई भी टाइप का ट्राइंगल हो, कुछ भी हो, वेज पैटर्न बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एक पैटर्न का वेट कीजिए जो कि यहाँ पे बने, राइट। यहाँ पे आप ट्राइंगल बने, कुछ भी बने, राइट। तो प्रॉपर ब्रेकआउट बिल्डअप होने दो बिफोर द ब्रेकआउट, राइट। ब्रेकआउट के पहले एक बिल्डअप होने दो, राइट। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं पैसा लो के एग्जांपल में, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर ब्रेकआउट बिल्डअप हुआ ब्रेकआउट के पहले, राइट। स्टॉक आया अपने हाइस पे, राइट। अगेन यहाँ पे एक बिल्डअप हुआ और आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या आप बॉक्स मान लो या जो भी आपका फेवरेट पैटर्न है, एक रेंज बन गया। तो ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप हुआ, राइट। तो आप वेट करेंगे प्रॉपर ब्रेकआउट के पहले बिल्डअप का, तो यस, और कन्विक्शन बढ़ जाएगा। मे बी बायर्स बहुत डिमांड में, जो सप्लाई आ रही है, बायर्स उसको बहुत अच्छी तरह से डिमांड में ले रहे हैं, राइट। सेकंड सेटअप जो मैं बात करना चाहता हूँ कि ब्रेकआउट बिल्डअप, ब्रेकआउट के पहले तो हमने देख लिया, राइट। ब्रेकआउट के पहले तो हमने ब्रेकआउट बिल्डअप देख लिया। एक और चीज़ होती है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। ब्रेकआउट यहाँ पे होने जा रहा है, तो वेट करो ब्रेकआउट बिल्डअप क्या, या तो कोई और पैटर्न का आफ्टर द ब्रेकआउट। आप बुर्ज खलीफा जो कैंडल बना है, आप यहाँ पे बाय करते हो, राइट। तो आप यहाँ पे बाय करते हो 10-15% के बाद, तो आपको 1:1 के लिए भी, 1:1 के लिए भी आपको 15% चाहिए। आपको समझ रहा है आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना गंदा है। आपका रिस्क रिवॉर्ड 3-5% के आसपास होना चाहिए, तो रिस्क उतना होगा तो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होगा, राइट। यही आप 5% ऐसे लेके चले तो 15% में तो आपका 3R भी हो जाएगा, बट आप 15% ऐसे लेके चलेंगे तो ये मिस्टेक आपको अब से नहीं करनी है, राइट। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आपको क्या वेट करना है कि ब्रेकआउट के बाद भी मुझे कोई पैटर्न मिला, आपका कोई भी फेवरेट पैटर्न हो, राइट। आपका कोई भी फेवरेट पैटर्न हो, यहाँ पे बॉक्स डार्वास बॉक्स बने आपका, या फिर आपका बने कुछ ट्राइंगल पैटर्न, जो भी आपको पसंद हो ट्रेड करना, एक दो पैटर्न सीखो समझो और उस पर ही फोकस करो, राइट। तो ब्रेकआउट के बाद के बिल्डअप पे आप फोकस करो, राइट। चाहे वो बॉक्स हो, जैसे कुछ भी हमने बात किया, यही मैं एग्जांपल लूँ पैसा लो में, राइट। यही मैं एग्जांपल लूँ पैसा लो में, तो पैसा लो में क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद भी आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे एक बॉक्स बना। ये इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी भी था, अगर इसके ऊपर आपको बोले तो कमेंट करिए MBSH, राइट। तो ये आप देखिए कैसे ब्रेकआउट के बाद, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकआउट लेवल था, ये ब्रेकआउट लेवल था 113 के आसपास, और ब्रेकआउट के पहले ब्रेकआउट बिल्डअप दिया, और ब्रेकआउट के बाद एक और इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी से बिल्डअप दिया, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ से नहीं तो भी आपको इन टोटल हाई वॉज 42%, मैंने बोला आपको फुल पकड़ना है, राइट। यहाँ से इन टोटल हाई वॉज 77%, इसका मैं हाफ कर दूँ 35% आप ये लेवल से पकड़ते हो, राइट। 35% आप ये लेवल से पकड़ते हो, या फिर यहाँ से भी आप 20% भी मैं मानूँ 40 के जगह, तो क्या खराबी है। तो यही मिस्टेक जो बिगिनर करते हैं वो है चेस, फर्स्ट टिप्स बोलो, या फिर खुद का एनालिसिस करो। अच्छा है कोई अच्छा ग्रुप है, जैसे अपना MBSH ग्रुप है जो प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता है, वो ठीक है, बट लोग रैंडम बाइंग करते, तो आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको रैंडम बाइंग नहीं करनी है, ओके। सो हमने क्या मिस्टेक्स देखी है, सब लोग बिगिनर लोग क्या करते हैं, या तो मस्त ब्रेकआउट पे 10-15 कैंडल की परसेंट की बाइंग करते हैं, वो आज से आप नहीं करेंगे, कमेंट करो आज से आप नहीं करोगे ऐसे कैंडल पे बाइंग, राइट। तो वो मिस्टेक को सुधारने के लिए हमने क्या रूल्स दिया है आपको, कि वेट फॉर अ ब्रेकआउट बिल्डअप, क्या करना है आपको, वेट फॉर अ ब्रेकआउट बिल्डअप। आप वेट करेंगे ब्रेकआउट बिल्डअप पे, या तो ब्रेकआउट के पहले ब्रेकआउट बिल्डअप का वेट करेंगे, आपका जो भी पैटर्न हो, बॉक्स हो, ट्राइंगल हो, राइट, जो भी हो, या फिर ब्रेकआउट के बाद आप कोई पैटर्न का वेट करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे आज से, राइट। क्या आप करोगे रैंडम ट्रेडिंग, बताओ,
आप रैंडम ट्रेडिंग नहीं करोगे, राइट। तो ये फ्यू मिस्टेक्स जो बिगिनर करते हैं और इतना सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, बट नहीं, हम क्या करें, हम वो सोशल मीडिया और ट्विटर पीएनएल के चक्कर में इतना हम फंस चुके हैं, राइट, तो हम वो नहीं कर पाते, राइट। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड एक जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने टेलीग्राम चैनल मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है पे नहीं हो, तो प्लीज़ डू मेक श्योर यू ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके लिए स्पेशल गिफ्ट, अगर आपको नहीं पता आपने 4 to 5 फ्री वेबिनार्स है ऑन स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है प्रॉपरली, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। तो राइट, MBSH में हम प्योर कैश ट्रेडिंग की बात करते हैं, कम्युनिटी है बहुत अच्छी, एंड बहुत हम टाइम पास भी करते हैं, मीम शेयर करते हैं। अभी मार्केट इतना मोमेंटम में नहीं है, ट्रेड करना ज़रूरी भी नहीं है, राइट। तो प्लीज़ डू ज्वाइन, एंड आपको ज़रूर हेल्प होगा, नो इंट्राडे नो FNO। होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और होमवर्क करो, राइट, और कमेंट करो आपको वीडियो अच्छा लगा तो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।